हेलो गाइस, वेलकम टू सर्च इंसर्ट मैथ्स। ओके, आज अपन यहां पे एनडीए पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एनडीए पेपर का पैटर्न क्या है, ओके, और ये पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या नहीं, अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, एनडीए देखो बेटा, एनडीए ईयरली वाइज दो बार होता है और ये एग्जाम आपको ऑफलाइन मोड में होता है कभी भी, ठीक है ना। तो साल में दो बार होता है, ओके, और इस साल से मुझे लगता है गर्ल्स को भी चांस दिया गया है। इसके पहले ओनली बॉयज को चांस था, इस साल से गर्ल्स को भी चांस दिया गया है। ओके, एनडीए इस बार से गर्ल्स भी दे सकते हैं। ओके, दूसरी बात कि जो स्टूडेंट 11th और 12th में जिनके पास मैथ सब्जेक्ट है वही स्टूडेंट ये पेपर दे सकता, जिनके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं वो स्टूडेंट ये पेपर नहीं दे सकता, याद रखना। ओके, दूसरी बात आती है कि एनडीए का पेपर पैटर्न क्या है, वो अपन डिस्कशन करते हैं। ओके, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स है और उसके मार्क्स क्या है, अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, सबसे पहले देखो बेटा, एनडीए पेपर का जो पैटर्न है 2020 और 21 का क्या है। तो जैसे कि एग्जाम देखो बेटा, सबसे पहले ऑफलाइन मोड में होती है, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन मोड ही होगी। लास्ट ईयर आपको बताऊंगा उतना डेंजर कोविड था तो भी उन लोगों ने ऑफलाइन पेपर ही लिया है। ओके, और पेपर दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक पेपर होता है आपको एनडीए एग्जाम कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, वन इज मैथ्स एंड वन इज जनरल एबिलिटी। ओके, तो मैथ्स के लिए आपको देखो बेटा टोटल 300 मार्क्स होते हैं और उसका जो टाइम है 2.5 आवर्स है, 2.5 घंटा। ओके, और 2.5 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे बेटा, 120 क्वेश्चंस होंगे। ओके, दूसरी बात आती है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है वो क्या होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं बेटा, एक सेक्शन होता है इंग्लिश का और दूसरा सेक्शन बी जो होता है वो जनरल। मैं ऐसे डिवाइड किया बेटा दोनों को। ओके, जनरल नॉलेज मतलब देखो बेटा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आ रहा है, बायोलॉजी मतलब पूरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मोस्टली की जनरल नॉलेज आ सकता है, जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, और दूसरी बात आती है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वो थोड़ा ध्यान करंट अफेयर। ओके, दूसरी बात देखो बेटा, इंग्लिश का जो है 200 मार्क्स का रहेगा और दूसरी बात जो है जनरल नॉलेज का जो भी है क्वेश्चन बेटा वो 400 का रहेगा, ठीक है। टोटल अलग अलग, ये 200 और ये 400, टोटल कितना आएगा बेटा, ये 600 होगा। ओके, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे बेटा, 150 रहेंगे, इसको भी आपको टाइम रहेगा 2.5 आवर्स ही रहेगा। ओके, और ये दो पेपर भी बेटा एक ही दिन में होते हैं, सुबह मॉर्निंग के 2.5 आवर्स में मैथ्स हो जाएगा और दोपहर के टाइम पे 2.5 आवर्स में एनडीए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको एक घंटे का ब्रेक दिया जाएगा अंदर मेरे ख्याल से। ओके, दूसरी बात आती है कि आपको टोटल इसका जो मार्क्स है बेटा 900 मार्क्स है, और दूसरी बात याद रखना कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो कौन से पैटर्न से रहेंगे, टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरी बात याद रखना, इस पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। ओके, याद रखो। अब उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो पेपर है कौन से लैंग्वेज में होगा, क्वेश्चन पेपर जो बेटा इंग्लिश में भी आता है, एक साइड हिंदी में रहता है, मतलब दो लैंग्वेज में रहता है। ओके, वन साइड आपको क्या रहेगा पेपर, मेरे ख्याल से एक रहेगा इंग्लिश में, एक साइड रहेगा हिंदी में। ओके, टोटल आपको ये जो पेपर है बेटा इंग्लिश और सॉरी जनरल एबिलिटी टेस्ट और मैथ्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएटी बोला जाता है, तो इसका बेटा 600 मार्क्स रहेगा और इसका 300 मार्क्स, टोटल 900 मार्क्स रहेंगे बेटा, ठीक है। अब ये 900 मार्क्स अगर आप क्वालिफाई करते हो, मतलब आप ये एग्जाम में क्वालिफाई होते हो, उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू रहता है। एसएसबी इंटरव्यू कितने मार्क्स का रहता है बेटा, 900 मार्क्स का रहता है। ओके, अगर आप ये मैथ जो एग्जाम में पहली बार अगर क्लियर करते हो तो आपको एसएसबी इंटरव्यू को बुलाया जाता है। ओके, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, सबसे मेन बात आती है कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैथमेटिक्स में कंपलसरी क्वालिफाई करना है, आप बाकी इधर कैसा भी हो सकता है बट मैथ्स में अगर क्वालिफाई करते हो तो ये एग्जाम में आपको आउट ऑफ भी आए तो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो तो आप वहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हो। ओके, सबसे पहले मेन बात की जो एनडीए एग्जाम आपको पता लग गया कि टोटल 5 आवर्स का है। ओके, और इसपे बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चन, और कौन से चैप्टर से वो क्या नहीं आपको पेपर पैटर्न के साथ साथ उसके क्वेश्चंस मतलब चैप्टर्स के नाम भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको अगर बताऊंगा तो ऐसी बता सकता हूं मैं, मेन बात आती है बेटा अलजेब्रा ज्योमेट्री कैलकुलस पार्ट। ओके, कैलकुलस पार्ट मतलब उसमें लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन ये पूरे चैप्टर्स आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे मेन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करना है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, मुझे लगता है एनसीईआरटी का 11th 12th अच्छे से पढ़ाई कर लो, पूरा क्वेश्चन उसी में कवर हो जाता है। ओके, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है तो आपको कोई दूसरा बाकी जो एनडीए के बुक्स है वो भी रिफर कर सकते हो, बस वो एमसीक्यू के लिए रिफर करो, बट कॉन्सेप्ट जो भी है वो एनसीईआरटी से ही फॉलो करो, आपको 99% क्वेश्चन वहीं से रहेगा, ठीक है ना। बस उसमें कैसे पार्ट्स अलग अलग किए, सबसे पहले देखो बेटा अलजेब्रा ज्योमेट्री और कैलकुलस पार्ट। ओके, ये सब अलग अलग डिवाइड किया, उसमें कुछ मैट्रिसेस आता है, मतलब टोटल देख लो ना आप 11th 12th का पोर्शन के हिसाब से पढ़ लो। ओके, आपको पोर्शन भी मिल जाएगा, क्या पोर्शन है वो भी दूंगा मैं आपको।
ओके ना। सबसे पहले जो करना है ये है अपना एनडीए पेपर का पैटर्न, एकदम सिंपल पैटर्न है, कंफ्यूज होने की गरज नहीं। कुछ अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता पूछ सकते हो, ओके। और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना। मेन बात आती है बेटा, एकदम इजी ये है। आपके पास अभी मेरे ख्याल से कुल मिला के 5